हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल ब्यूटीशियन स्टाइल ऑफ कुदरत पर स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट कुदरत। तो फ्रेंड्स, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आई हूं वो सिर्फ एक बेस मेकअप के लिए लेकर आई हूं कि आप गर्मियों में अपना बेस मेकअप जो है वो कैसे करें ताकि जो आपका मेकअप है ऑल डे आपका मेकअप जो है वो सेट रहे। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको अपना ओनली जो बेस मेकअप है वो ही बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, CTM के दो फर्स्ट स्टेप जो हैं वो मैंने कर लिए हैं। तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा का है, ये डॉक्टर रशील का है। तो ये वाटर बेस्ड है क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी फेस जो है, मेरी स्किन जो है फेस की, वो हाइड्रेटेड भी रहे क्योंकि गर्मी होती है। तो ये ऑयल बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र जो है वो नहीं यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई है तो आप नॉर्मल जो अपना स्किन के अकॉर्डिंग जो यूज़ कर रहे हैं थोड़ा सा वो भी लेकर बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप ऑयल फ्री जो मॉइस्चराइज़र है वो लगाएं, क्योंकि ये ना सोचें कि गर्मियों में मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत नहीं होती है। मॉइस्चराइजिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ सनस्क्रीन जो लोशन है। तो ये फ्रेंड्स ब्लॉसम कॉचर का लोशन है। तो इसमें है SPF 30। तो पहले भी मैंने एलोवेरा का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया था क्योंकि ये चीज़ें जो है मुझे काफ़ी हद तक जो है सन से प्रोटेक्ट करेंगी। तो आपको इसको अपने नेक पर भी लगाना है। वैसे तो लोशन जो सनस्क्रीन लोशन है आपको पूरी बॉडी पर लगाना चाहिए जो एक्सपोज होने वाली है सन में। तो आपको इसके साथ हल्के हाथों से अपने फेस पर मसाज करना है। तो फ्रेंड्स, आपको जो भी अपने फेस पे अप्लाई करना है उसमें थोड़ा थोड़ा जो है जैसे 3-4 मिनट का गैप ज़रूर देना है ताकि आपकी स्किन में अच्छी तरह जो है अब्सॉर्ब हो जाए और आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ रिमल का स्टे मैट प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। तो इसको, ये क्रीम बेस प्राइमर है लेकिन अगर आपके पोर्स वगैरह हैं तो ये आपके पोर्स को जो फिल है वो नहीं करेगा। अगर आपके पोर्स वगैरह हैं तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो प्राइमर है वो लें, लेकिन जो मैट रखे आपको वो वाला प्राइमर यूज़ करें। तो आपके स्किन के अकॉर्डिंग ही आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करें, लेकिन मैट प्रोडक्ट्स यूज़ करें। तो इसको मैं अच्छी तरह अपने टी जोन पे अप्लाई करते हुए पूरे फेस पे इसको मैं लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैं फ्रेंड्स ले रही हूँ सेटिंग स्प्रे। ये किस ब्यूटी की है, ये भी कुकुम्बर की है क्योंकि ये चीज़ें भी आपके फेस को थोड़ा हाइड्रेटेड रखेंगी और ठंडक भी देंगी आपकी स्किन को। तो पहले आपको सेटिंग स्प्रे लगानी है, तो उसके बाद आप फाउंडेशन को यूज़ करें ताकि आपकी फाउंडेशन अच्छी तरह जो है वो स्टिक हो जाए। तो यहाँ पर मैं मेबिलिन की जो स्टे मैट है फाउंडेशन वो यूज़ कर रही हूँ। तो इसका रिव्यू भी मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में दिया है, तो अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूँगी। तो मैं जो फाउंडेशन है पहले हाफ पे लगाऊंगी डॉट डॉट करके, उसके बाद इसको डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आपको अच्छी तरह ब्लेंड करना है। तो इसी तरह मैं पूरे फेस पे थोड़ा थोड़ा करके लगाती हुई, नेक पे, साइड में, ईयर्स में अच्छी तरह लगाते हुए आपको इसको ब्लेंड करना है। तो ब्लेंडिंग को आप थोड़ा टाइम दें, एकदम से ब्लेंड करके बस ना छोड़ दें, प्रॉपर इसको थोड़ा टाइम दें ताकि अच्छी तरह आपके स्किन में जो है एब्जॉर्ब हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं अगेन सेम फाउंडेशन को अपने आईलिड्स पर एंड अंडर आइज़ लगा लूँगी थोड़ा सा और ज़्यादा कंसील करने के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स सिर्फ मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ, मैं कोई भी कलर करेक्टिंग वगैरह या कंसीलर वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको कंसीलिंग की ज़रूरत है या कलर करेक्शन की ज़रूरत है तो वो ज़रूर कर लें। तो अगेन आपको मैट ही जो पाउडर है वो लेना है। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेबिलिन फिट मी का पाउडर। तो ये कॉम्पैक्ट पाउडर है, इसको आपको इस तरह लगाना है, स्पॉन्ज के साथ प्रेस करते हुए आपको लगाना है ताकि ये अच्छी तरह जो है प्रेस हो जाए आपकी स्किन में और जो फाउंडेशन है आपकी जो लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे इसको प्रेस प्रेस करके लगा रही हूँ। तो अगर आप लूज़ पाउडर भी यूज़ करना चाहें तो आप लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैट हो तो आपको अच्छी तरह इसको लगा लेना है जहाँ जहाँ भी आपने फाउंडेशन अप्लाई की हुई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आज की वीडियो में सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि गर्मियों में आप लॉन्ग लास्टिंग बेस जो है वो कैसे बनाएं, ओनली वो टेक्निक्स बता रही हूँ।
तो मैं अपना कोई भी मेकअप इस वीडियो में नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये आपका मेकअप जो है वो अब सेट हो गया है, वाटरप्रूफ हो गया है। अगर आपको पसीना भी आएगा तो ये पसीने के साथ बिल्कुल भी बहेगा नहीं। हाँ, आप बिल्कुल उसको ऐसा रगड़ना नहीं है, अगर आपको पसीना है पहुँचना है तो रगड़ना नहीं है इसको। तो ये काफ़ी देर तक आपका जो बेस है वो स्टे करेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना जो बाकी का मेकअप है वो कर लिया है, तो उसके बाद आपको अगेन जो है आपको ये मिस्ट लेनी है, जो सेटिंग स्प्रे है। अगेन आपको अपने पूरे फेस को सेट करना है, पूरे मेकअप को सेट करना है इसके साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से गर्मियों में अपना मेकअप करोगे तो बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा, तो उतरेगा भी नहीं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।